Welcome to VKC Maths Solutions. हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति आखिरकार बदल गई। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर स्टडीज तक भारी फेरबदल किए गए हैं। क्या क्या बदला और इसका असर कैसे देश के बच्चों से लेकर बड़ों तक की पढ़ाई पर पड़ेगा, आपको समझना चाहिए। देश के करोड़ों परिवार में अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है बच्चों के भविष्य की। और भविष्य अमूमन तय करने का रास्ता स्कूल और कॉलेज से होकर जाता है। मोदी सरकार ने 3 दशकों बाद आखिरकार देश की शिक्षा नीति बदल दी है। 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में होगी। 8वीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा में पढ़ना होगा। अंग्रेजी की पढ़ाई सिर्फ एक विषय के तौर पर होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। नई शिक्षा नीति के तहत कोशिश ये है कि बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया गया है, जिससे रटकर याद करने की आदतों को कम किया जा सके। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर साल रिपोर्ट कार्ड तैयार होगी। जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास अपने पिछले 15 साल का पूरा एक, जिसको कहते हैं कच्चा चिट्ठा होगा, जिसमें लिखा होगा कि वो कौन कौन सी स्किल्स उसने इम्बाइब करी है। कॉलेज की पढ़ाई में भी बड़े बदलाव किए गए हैं नई नीति के मुताबिक। कॉलेज में अब 3 और 4 साल दोनों की डिग्री होगी। 1 साल पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पर डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल पर डिग्री दी जाएगी। ये बदलाव क्यों किए गए हैं, समझिए उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे से। आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गवाए हुए। व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की तारीफ करते हुए कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबे वक्त से बहुप्रतीक्षित सुधार था जो आने वाले वक्त में लाखों लोगों का जीवन बदल देगा। मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। इसके अलावा हायर स्टडीज में भी बदलाव हुए हैं। अब एमए के छात्र सीधे पीएचडी कर सकेंगे, छात्रों को एमफिल भी नहीं करना होगा। हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गंतव्य